दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 11वीं बही खाता एवं लेखा कर्म विषय का। जी हाँ दोस्तों, पूरा आप वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको पूरा समझ में आ सके। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी वायरल पेपर है, आपने भी अभी तक इसको अभी तक देख लिया होगा या नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा। काफ़ी इंटरनेट पर हर जगह पर ये छाया हुआ है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आप सबकी मदद कर दूँ। जी हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो को देख कर जाइएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप सबको दोस्तों हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहें। जी हाँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 11वीं बही खाता एवं लेखा कर्म विषय का किस प्रकार का प्रश्न पत्र आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं बार बार, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिख रहा है, आप चाहे जितना जूम कर सकते हो दोस्तों। ये PDF फॉर्मेट में पूरा प्रश्न पत्र है, आप पूरा इसको देख पढ़ और समझ सकते हो दोस्तों। तो आप इसको देख लीजिएगा, आप देख सकते हो यहीं पर स्पष्ट लिखा है भाई खाता एवं लेखा कर्म पूर्णांक 80 अंक, समय दिया गया है 3 घंटे का। तो आप सभी लोगों को इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों, ये निर्देश है दोस्तों, इन निर्देशों को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने निर्देश अच्छे से पढ़ लिए होंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। चलिए तो आप इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका प्रश्न पत्र कैसा होगा, क्या क्या उसमें पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न उसमें से पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सही विकल्प। जी हाँ दोस्तों, आपसे पहला प्रश्न सही विकल्प के ऊपर पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र थोड़ा सा धुंधला जरूर है, पर आप स्पष्ट रूप से इसको पढ़ सकते हो, तो आप सभी लोग इसको देख सकते हो। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र दोस्तों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, तो आप पूरा इसको देख कर जाइएगा जिससे कि आपको पूरा प्रश्न पत्र एक ही बार में समझ में आ सके दोस्तों। तो ये पूरा प्रश्न पत्र है, आप इसको देख लीजिएगा और उसी के आगे देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हो ये पूरा रिक्त स्थान पूर्ति यहाँ पर दी गई है और उसी के नीचे देखें दोस्तों यहाँ पर आपको सही जोड़ी भी देखने को मिलेगी। तो आपको रिक्त स्थान पूर्ति और सही जोड़ी अच्छे से समझ लेनी है। उसी के नीचे आप देख सकते हो यहीं पर आपको सही जोड़ी देखने को मिल जाएगी और उसी के नीचे देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपको सत्य असत्य देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग सत्य असत्य को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके दोस्तों। तो ये पूरे सत्य असत्य है, उम्मीद करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा अब तक। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़े तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने को यहाँ पर ये कह रहा है, पूछ रहा है। तो आप सभी लोग इनको देखेंगे और नोट कर लेंगे बराबर, जिससे कि आपकी तैयारियाँ दोस्तों अच्छे से हो सके। तो आप सभी लोग इनको देखिए और नोट कर लीजिएगा। तो वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इनके ऊपर टिक लगा ले और नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, आप लोग इनको भी देखेंगे और नोट कर लेंगे बराबर, आप इनको नोट करते चले दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है ये सभी, जो कि आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपकी तैयारी दोस्तों अच्छे से हो सके। इसके अलावा कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, आप सभी लोग इन प्रश्नों को भी देख ले और अच्छे से प्रिपेयर कर ले दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपने नोट। अब इसी के क्रम में दोस्तों आगे देखें तो कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को क्या करना है कि इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लेना है जिससे कि आपकी तैयारियाँ दोस्तों अच्छे से हो सके। इसके अलावा कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, आप सभी लोग इनको देखेंगे और नोट कर लेंगे। तो ये था पूरा दोस्तों आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 11वीं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यानी कि बही खाता एवं लेखा कर्म विषय का, जो कि मैंने आप सबको पूरा समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ में मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु शुभकामनाएं देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।